आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम अब लेगा डॉक्टरों से 24,000 रुपए सालाना ज्यादा, कुल 30,000 सालाना होगा खर्च। डॉक्टर्स डे पर झटका, पहले प्रोफेशनल टैक्स अब नया खर्चा कूड़े के नाम पर लेंगे। मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि दो कंपनियां हैं जिनको ये बायोमेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए काम दिया हुआ है, और अगर कोरोना का जो वेस्ट है उसके लिए भी और किसी कंपनी की जरूरत है तो मुझे लगता है कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट को करना चाहिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नॉन बायो वेस्ट के बारे में है ना, नॉन बायोमेडिकल। जो एमसीडी का नोटिस है, मैं आपको नोटिस दिखाता हूं, जो एमसीडी का नोटिस है ईस्ट एमसीडी का, इसमें वो कहते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है आपका वो तो आप दे ही रहे हो 500 रुपए, वो तो चलता रहेगा। बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा जो आपका सॉलिड वेस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक से, उसके लिए आप जो है 24,000 रुपए सालाना दो। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, आप सब लोग भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं, भाई डॉक्टर के यहाँ क्या वेस्ट होता है? छोटी पट्टी किसी की, अगर 10-20 मरीजों में से किसी एक मरीज को पट्टी करनी होती है, उसकी रुई हुई का वेस्ट होता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। सुई सिरिंज वगैरह का वेस्ट होता है, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। उसके अलावा डॉक्टर के यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई समोसा बर्गर नहीं, कुछ नहीं होता वहां तो कोई ऐसा वेस्ट निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उससे भी आप 2,000 रुपए और 24,000 रुपए सालाना लेंगे तो इन सब चीजों का, देखिए आपने दुकानदारों के ऊपर उनका जो ट्रेड लाइसेंस था वो 3 गुना, कई जगह 7-17.5 गुना इतने तक बढ़ा दिया, तो उसका फर्क तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। दुकानदार आपको घर से कोई ना देगा, दुकानदार उस चीज के अंदर अपना मार्जिन बढ़ा देगा जो चीज बेच रहा है, और उसी सबसे महंगाई भी बढ़ रही। तो ये है, मेरे को इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी कंपनीज है, प्रॉब्ली जो डिपार्टमेंट देख रहा है उसको करना चाहिए।